नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर पेरेंटिंग जर्नी विथ योर लिटिल वंस। और जो अभी फ्लैशकार्ट के ऊपर ऑफर चल रहा था, उस ऑफर को इतना ओवरहेलमिंग आपने जो रिस्पांस दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे फ्लैशकार्ड थे, वो कॉमन थे, जो पेरेंट्स को इजिली कोरिलेट कर रहे थे। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको एनिमल्स, बर्ड्स, थोड़े बड़े एज के बच्चे हैं उनको मैथ्स कार्ड या मैथ्स सिंबल कार्ड्स या यूनिवर्स, ये टाइप्स के। लेकिन साइट वर्ड एक ऐसे टॉपिक था जो बहुत पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज साइट वर्ड्स। तो आज का ये स्पेशल वीडियो मैं ये साइट वर्ड के ऊपर बना रही हूँ कि जिसमें मैं ये साइट वर्ड आपको दिखा रही हूँ कि क्या रहते हैं और उसके कैसे कार्ड्स हैं, सो ज़्यादा क्लैरिटी आए। पर्टिकुलरली वो पेरेंट्स जो वर्नैकुलर मीडियम से है, जैसे मैं मराठी मीडियम से थी, सो उन पेरेंट्स को थोड़ा अलग हो जाता है जब इंग्लिश का ये आता है सिखाना बच्चों को। सो व्हाट इज साइट वर्ड, उनको नहीं पता चलता बिकॉज वी डोंट हैव दिस इन यू नो इन आवर एजुकेशनल जर्नी। तो जो पेरेंट्स को नहीं पता है कि व्हाट इज साइट वर्ड्स, तो उनके लिए ये स्पेशली एक्सप्लेनेशन है आज का। सो बेसिकली साइट वर्ड्स जो रहते हैं वो ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है कि जिनकी स्पेलिंग आप बना नहीं सकते, और दूसरा होता है कि जो वर्ड्स आप रीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम आपके सेंटेंस में या टेक्स्ट में आते हैं। सो ये दो बेसिक कैटेगरी हो जाती है। सपोज जैसे द, एन, अ, ये जो वर्ड्स है वो बहुत रेगुलरली अपने रीडिंग में आते हैं। कोई भी आप तीन चार सेंटेंस ले तो ये रिपीटेडली आने के चांसेस हो जाते हैं। वेर एज एक आप कोई भी ऐसे वर्ड लो कि जिसका आप स्पेलिंग बना नहीं सकते, जैसे आई विल शो यू वन मिनट, जैसे ये वर्ड है नो। सो ये नो का जो स्पेलिंग है के एन ओ डब्ल्यू। सो बच्चा अगर फोनिक्स भी सीख लिया तो ये नो का स्पेलिंग लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बच्चे के लिए, बिकॉज नो फोनिक्स से बनाएगा तो एन और नो नो आएगा। ओके, सो ये वाले जो होते हैं उनको साइट वर्ड बोलते हैं, कि जिनकी स्पेलिंग जैसे है वैसे हम लोगों को याद करनी पड़ती है, जैसे है वैसे ही लिखना है हम लोग को, वो स्पेलिंग बना नहीं सकते फोनिक्स के साथ। सो ये फोनिक्स के ऊपर नहीं जाते, उनको भी साइट वर्ड कहते हैं, और जो रिपीटेडली आते हैं सेंटेंस में उनको भी साइट वर्ड्स कहते हैं। सो बेसिकली दिस सेट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट साइट वर्ड्स। और ऑलमोस्ट 45 कार्ड है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें ये देखिए आप कॉमन आने वाली ये जो सब वर्ड्स है वो उसमें एडेड है। सो यू कैन शो दिस वर्ड्स टू द किड, कि जहां आपका बच्चा जितना छोटा है और आप उसको दिखाए, मतलब डेढ़ दो साल के बाद भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि देयर ब्रेन कैप्चर दैट एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी, और उनको जब भी वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके वजह से उनका ग्रास्पिंग बढ़ जाता है, मतलब देयर ब्रेन नोज दिस स्पेलिंग बाय हार्ट कि कम ऐसे है। सो रीडिंग करते वक्त जब भी कम आएगा सो देयर ब्रेन ऑटोमेटिकली सेंड अ सिग्नल कि दिस इज अ कम। सो ये एक बेनिफिट है फ्लैश कार्ड अर्ली एज में दिखाने का, साइट वर्ड के स्पेस कार्ड स्पेस। सो होप ये वीडियो से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और इसके बारे में कुछ भी आपको ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिख के भेजिए। थैंक यू सो मच।